Hello guys, welcome back in my V-Zone. This is Manu. And today we are going to react on Mangal Sutra by BBQ Vines. Yes. So दोस्तों BBQ Vine की इस वीडियो के लिए बहुत सारे सजेशन की यार मॉर्निंग में डली थी आशीष की, उसके बाद तो भाई साहब लाइन लगा दी इस पे रिएक्ट करो तो बीबी की वाइन की वीडियो पे मतलब एक्चुअली हमारा वो जो एक हफ्ते वाला वो चैलेंज था वो तुम सब तो अपने मन से तोड़ना चाहते हो कि नहीं हमें नहीं करना वो चैलेंज, तो कभी-कभी सुन लेते तो कभी-कभी आप लोगों की भी मेरे ख्याल से सुन लेनी चाहिए। और मंगलसूत्र से एक चीज तो मैं पहले से ही श्योर हूँ कि इसमें भुवन की मम्मा जरूर होंगी, मतलब उनका करेक्टर जरूर होगा क्योंकि लेडी शी इज द ओनली वन लेडी ऑल करेक्टर्स में। मंगलू सूत्र है, मंगलू सूत्र, अच्छा मंगल सूत्र बोलेंगे इसमें, आई डोंट नो यार, मंगल सूत्र जो भी है। सो यहाँ पे तो मैं इसको अगर पढ़ूंगी तो एक तरह से मंगल सूत्र ही पढ़ मंगलो पढ़ा वैसे मंगलो पढ़ा जाएगा। हाँ मंगलो सूत्र, सो लेट्स सी यहाँ पे मंगल सूत्र है या मंगलो सूत्र है पता नहीं क्या है, लेट्स चेक इट आउट। हियर वी गो। देखा आज बोलो की होगी आज तो मम्मी यहीं कहीं रखा होगा, क्या होगा, आपने अलमारी चेक करी, कर ली, बालकनी चेक करी, कर ली, ड्रॉर्स चेक करे, कर ली, पर्स कर ली, या मलिंगा के बाल कैसे हैं, कर ली, सुई अटक गई है, किसी को लैट्रिन जाना है क्या, कर ली, ठीक है मैं होके आता हूँ। अरे दीदी ढंग से ढूंढेंगे पक्का मिल जाएगा, याद नहीं बचपन में पिताजी खो गए थे तो हमने उनको कैसे अगले दिन फटाफट ढूंढ निकाला था, खो गए थे मतलब नाना जी भुलक्कड़ थे, पियक्कड़ थे बेटा, दारू पी के बिस्तर के नीचे ही सो गए थे, अगले दिन सुबह जब झाड़ू लगी तो कचरे के साथ साथ वो भी बाहर आ गए। कल से ढूंढ रही हूँ कहीं नहीं मिल रहा मेरा मंगल सूत्र। अरे मिल जाएगा दीदी एक सेकेंड। हाँ गुल्लू, अरे मैं अभी नहीं आ सकता, वहां का पहले थोड़ा मामला शांत हो जाए। और सुन ये धंधे की बातें आपसे व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे ठीक है, चैट तो ऐसे लीक हो रही है जैसे बुढ़ापे में पेशाब। हाँ गुल्लू, अरे मैं F1 रेसिंग देखने नहीं आया हूँ, दीदी रो रही है। ये तो बड़े फैंसी ईयरफोन्स हैं। अरे मीवी के डुओ पॉड्स हैं, मजा आ जाएगा, क्वालिटी एकदम जबरदस्त है। वो किसके गाने सुनता तू, वो लाल मिर्ची, लाल रेड हॉट चिली पेपर, हाँ 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 वही वही, उनका हर लिरिक और बीट एकदम क्लियर सुनाई देगा जबरदस्त बेस के साथ। नीचे गिरेंगे तो नहीं, अरे न्यूज चैनल थोड़ी ना है, इस कैप्सूल को एक बार चार्ज करेगा 30 घंटे चलेगा। महंगा होगा नहीं, ना ना सेल चल रही है mivi.in पे जाके ले ले। तुम्हें शर्म नहीं आ रही, क्यों दीदी इंडियन ब्रांड है, यहाँ मेरा मंगल सूत्र चोरी हो गया और तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। ऐसे कैसे चोरी हो जाएगा मम्मी, घर में कोई बाहर का बंदा आता जाता ही नहीं है। मुझे लग रहा है बंदर लेगा मेरा मंगल सूत्र। बंदर? हाँ जब तू छोटा था तो बहुत सारे बंदर घर में घुसाए थे और तेरे पापा के अखरोट छीन के ले गए थे। तो नंगे बैठे क्यों थे, अपने दराज में रखा था मैंने परसों, पक्का चोरी हुआ है, तू पुलिस को बुला। क्या ठीक है बेटा, मंगलसूत्र घर में ही होगा, पुलिस को क्यों बुलाना इसके लिए, जरूरी है मामा चोरी हुई है तो। अरे कैसे होगी चोरी बेटा, इधर उधर ही कहीं रखा होगा, दीदी तुम उसमें चेक करो ना अपने ब्लाउज, लू 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 ऐसे ऐसे करो मिल जाएगा। अरे क्या उलू लू लू, बुला रहा हूँ पुलिस को। लतिका ही तो घर में है बेटा। मम्मी कोई फायदा नहीं है पुलिस को बुलाने का, मेरे सुहाग की निशानी है वो। अरे तुम्हारा सुहाग संडास में निशानी छोड़ रहा है अपनी। एक बंदा है जो पता लगा सकता है, कौन? नो, आप फिकर मत कीजिए, आपकी बीबी जल्दी घर लौट आएगी, बस मुझे उनके होठों की फोटो और अगर मन हो तो उनके भागने का मोटो तुरंत भेज दीजिए। बेटा ये कौन सा जानवर है? जानवर होता तो पंजा मार के गंजा कर देता, शुक्र करो उस खुदा का जिसने अनुपम को टकलू बनाया और मुझे मंगलू बनाया, किसी ने सुना तो नहीं। मम्मी ये डिटेक्टिव मंगलू है, दिल्ली के टॉप 30,000 जासूस में से एक है। इतने सारे जासूस हैं दिल्ली में? ज्यादातर तो बालकनी से झांकने वाले बुढ़े पड़ोसी हैं। मंगलू जी मेरी मम्मी का मंगल सूत्र चोरी हो गया है, मुझे पता है। आपको कैसे पता है? किसके पास? किसके? आपके पास? मुझे पता है किसके पास। अरे तो बताओ ना। 20 मिलियन 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। मामा इसको 20 रुपए देना। क्यों? अरे इसका स्टाइल है। किसके पास है मंगल सूत्र? चोरी करने वाले के पास। क्या आइटम है? आपको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं आपने तो नहीं चुराया? ओ मामा है मेरे, शकुनी मामा, कटप्पा मामा, सुंदर मामा, इतिहास गवाह। क्या मतलब? एक सेकंड, तुझे क्या लगता है
मैं अपनी दीदी का मंगलसूत्र चुराऊंगा। अक्सर ऐसी चोरी में घर वालों का हाथ होता है। मेरा टीटू कभी ऐसा नहीं करेगा। मेरा काम है सब पे शक करना, भांगड़ा करके रात में फक्का। हमें नहीं जानना आप क्या करते हो। बेटा इस दुनिया में इतने नकली नोट नहीं है जितने नकली लोग हैं। बहन जी कोई बाहर का आदमी आया था दूध वाला या सब्जी वाला? सब्जी वाला आया था। ओके ग्रोसरी वाला ही भोसड़ी वाला है। दरवाजे तक ही आता है, मम्मी के कमरे में नहीं घुस सकता। दीदी एक कप चाय बना दोगी? हेलो हाँ। ओह माय गॉड क्या हुआ? 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। 20 रुपए दो। चोरी करने वाला कोई घर का आदमी नहीं है। ये तो पहले से पता है यार। बे ये हग्गा जासूस गलत लग रहा है मुझे। मंगलसूत्र चोरी करने वाला अभी अभी चोर बाजार में घुसा है। कैसा दिखता है? बहुत सारी दुकानें हैं, डबल सिम वाला फोन जल्दी बिक जाता है और कोने में पनवाड़ी। अरे भाई साहब चोर कैसा दिखता है? चोर जैसा। व्हाट द फक। उसको सीटी मार के बुलाओ ना। कुकर हूँ क्या भोसड़ी के? क्या बकवास है ये। आवारा भड़वे जो हौले हौले गाए। क्या वो चोर गाने गा रहा है? ओह नो वो किसी दुकान के अंदर घुसा है, उसने मंगलसूत्र निकाल के दुकान वाले के हाथ में दे दिया। और 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा। उसने बाएं हाथ से मंगलसूत्र दिया, इसका मतलब लेफ्टी है। बेटा ये चलता फिरता लक्ष्मी चिट फंड है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। The deal has been made, I repeat, the made has been deal। उसने मंगलसूत्र बेच दिया। चोर अब पनवाड़ी पे खड़ा है, खैनी रगड़ रहा है। साला जुबान केसरी काम रॉबरी। अभी भी रगड़ रहा है। वो खैनी मुंह में डालने के लिए मास्क नीचे करेगा तो हम उसका चेहरा देख सकते हैं। ओह नो क्या हुआ? अभी भी रगड़ रहा है। अबे कितना रगड़ेगा? बेटा खैनी और लौड़ा जितना रगड़ोगे उतना मजा आएगा। ओह माय लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। क्या वो रिक्शा में बैठ के चला गया? ऐसे कैसे रिक्शा चला गया? ऐसे। मैं तेरे को एक काम दिया था ढंग से, वो भी नहीं कर पाया। 20 रुपए मांग मांग के मेरी जेब खाली कर दी। मैं क्या बारात में उड़ाए हुए पैसे इकट्ठे करता हूँ? कहाँ से लाऊं इतने खुले? तेरा बंदा इतने करीब था चोर के, सीधा सीधा मास्क नहीं उतार सकता था। I'm sorry, अगर आपको मेरी सर्विस पसंद नहीं आई, you can give me your feedback। सुन दे फीडबैक के चोदे, एक नंबर का घटिया जासूस है तू। तेरे से अच्छी जासूसी तो ट्विटर के ट्रोलर कर देते हैं। Okay, मैं चलता हूँ। वैसे भी उस चोर का चेहरा वैसा ही था जैसे उसके मास्क पे बना हुआ था, और उसने चश्मा लगा रखा था, उसके दांत बाहर थे, किसी ने सुना तो नहीं? क्या बोला ये? चोर का चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसा उसके मास्क पे बना हुआ है, और चोर ने चश्मा लगाया था, और दांत बाहर थे। तो भी कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट के एक ही में दिखा देना था ना भाई, इतना लंबा क्यों खींचा? डिस्काउंट 50% ऑफ। दिस इज बीच में रुका हुआ काम, अब बीच में रुक गया मामला, अभी हमें वेट करना पड़ेगा कि क्या कुछ हुआ आगे। We have to wait for some time. So let's check it out कि कितना टाइम लग गया। And next part done में अब ये ना है भाई, 2 महीने बाद डालो, ऐसा नहीं यार। मजा आ गया वैसे इतने जितना भी देखा। ये character पुराना मंगलू डिटेक्टिव करके ऐसा कुछ था, मैंने देखा या नहीं देखा I don't remember it। तुमने देखा है? तो क्या होगा तुम बोल लो, तो मैं क्यों तुम्हारे मुँह सुनूंगा? 20 रुपए दोगे तब बोलूंगी। अच्छा उसने टोटल कितने रुपए ले बताओ तुम? मैं वीडियो देखी जैसे कुछ पहले प्रेडिक्ट करती है, होता है प्रेडिक्शन हर एक का दिल का होता है ऐसा, इसका मतलब नहीं हम देख लिया। अगर भाई सुनो मेरे को बोलने दो, अगर हमें छुपाना होता ना तो यार बहुत दिन हो चुके हैं हमें करते हुए, हमें पता है कि कैसे छुपा सकते हैं, बट वो नहीं हमारा। और सेकंड बात, जो इस लड़की को बोलना होता है वो बोल देती है, ये मेरे बोलने से रुकती नहीं है। मैं तो फिर भी थोड़ा सोच समझ के बोलता है, नहीं यार ये चीज़ बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, ये नहीं सोचती। ये इसके एक्चुअल में यार इसके बहुत जेन्युइन रिएक्शंस होते हैं, आई एग्री विद इट, काफ़ी लोग बोलते हैं आई एग्री विद इट, और काफ़ी जेन्युइन बातें ही बोल देती है। इसको पसंद नहीं है तो बोल देगी सीधा नहीं आया पसंद। मैं तो फिर भी सोचता यार ट्रेन दो, गालियाँ पड़ेंगी तो छोड़ देते, बट फिर भी जैसे एक वीडियो में हुआ था बोल दिया तो फाइन। अगर आप लोग कहते हो कि अपने रिएक्शन दो, अपने रिव्यू दो, तो रिएक्शन और रिव्यू अगर फेक करने तो ठीक है, मैं कल से हर चीज में माइंड ब्लोइंग। हां भाई तो बाकी सब जो रिएक्शन चैलेंज करते हैं वही करने लग जाए, वो उसी वही तो लगा हमारा। आप लोग अगर कमेंट में गाली दे रहे हो तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको पसंद आई आपको अच्छा लगी, मुझे नहीं पसंद आई तो कोई नहीं देता। जो भी आप लोग अगर ये भी कहते हो कि मन आप ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो, मन आप ऐसे क्यों बोलते हो, मन ये क्यों करते हो, तो मन वही बोलती है जो वीडियोस में देखते हो, मन को जो समझ आता है, मन का जो मन करता है वही बोलता है।
तो फिर भी वीर की बात है, आप हम तो चलो आप लोगों के सामने दे रहे हैं, अगर आप एक हेडफोन लगा के कोई वीडियो देखते हो तो आप लोग क्या फेक रिएक्शन देते हो क्या? कि मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एक वीडियो देख रहे हैं एंड उसमें हमारे जो रिएक्शन है, जो पॉइंट है, वो नॉर्मल है, बस यही हमारा मतलब है। हम नहीं चाहते कि आपके सामने कोई फेक रिएक्शन या फेक पॉइंट हम रखें। और जो अजम्पशन आते हैं बीच में वो बोल देती हैं, मैं तो फिर भी बोलता हूँ कि मत बोल, रहने दे, फिर लोगों को लगता है कि देखिए, क्योंकि यार बहुत सारी वीडियोज ऐसी होती है जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्या नेक्स्ट पार्ट क्या हो सकता है, ऐसा नहीं है फिर, जैसे कई बहुत कम होती है ऐसे, मतलब होती भी नहीं भी होती, दोनों मिक्स चीज़ें होती हैं। मेरी भी प्रेडिक्शन है, मुझे नहीं लगता कि वो समीर होगा, बट देखो अभी पूरी कंटिन्यू में क्या होता है। नहीं, वो तो दिखाई दिया ना उन्होंने समीर को। हाँ, बट वो उनका अजम्पशन था ना कि एक फेस ऐसा है। हाँ हाँ, तुमने हो सकता है कि वो समीर हो, मतलब रियलिटी नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि समीर एज अ बहुत नॉटी कैरेक्टर है, बट वो ये काम नहीं करेगा। इसने देखा अगला पार्ट, मैं बता रहा हूँ तुम सबको, तुमने देखा तो कोई बात है, बोल लो जो बोल रहे हैं, आप लोग भी प्रिडिक्ट करते होंगे, मैं भी प्रिडिक्ट करती हूं, और कभी कभी प्रिडिक्शन सही हो जाती है, तो मैं स्मार्ट यार, इसमें जेलस फील करने का कभी कभी नहीं ना, हमेशा ठीक हो जाती है, तुम इसकी सच में ठीक होती है, और लाइफ का भी ऐसा, अगर ये बोलेगी ना आगे जाके कुत्ता आएगा और उस पर आप गाड़ी चढ़ाओगे तो ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे बहुत बार मेरे फ्रेंड से, मेरे पीओस से सुनने को मिलता है कि मेरी जजमेंट बहुत अच्छी होती है, थोड़ी तारीफ मेरी गणित बहुत अच्छा जज करती हूं, एट को सेंस को साइड में कर दो। सो टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इफ यू न्यू सब्सक्राइब चैनल डू कमेंट ऑन सेक्यूरिटी सजेशन, सजेस्ट कमेंट सब्सक्राइब करते रहे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर सेल्फ, अपना मंगलसूत्र बचा कर रखें, लोगों से, रिश्तेदारों से, सबसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको बचा कर रखनी है, बहुत प्यार से रखनी है, और एक मैरिड लड़की की समझ सकती है मंगलसूत्र की कीमत, तुम क्या जानो रमेश बाबू, सुरेश बाबू समझेगा। सो दोस्तों, टिल देन, बाय बाय, साइनिंग आउट, बाय।